खंडवा के कुकुर मुत्ते की तरह पैर पसार रखे कॉलोनाइजर। वहीं इन कॉलोनाइजरों द्वारा शासन को स्टाम्प ड्यूटी में भी काफी चूना लगाया जा रहा है। अपनी दबंगई के बल पर गरीबों के आशियानों पर चलवा रखे बुलडोजर। इसी तरह का एक मामला खंडवा के जसवाड़ी रोड स्थित शिवपुरम रेजिडेंसी का है, जहां पर कॉलोनाइजर बलराम गोलानी द्वारा पीड़ित उर्मिला बाई का मकान तथा किराना दुकान को अपनी दबंगई से तोड़वा दिया, जबकि पीड़ित परिवार पिछले 30 वर्षों से वहां पर निवास करते आ रहे हैं। वहीं उर्मिला बाई के पास जमीन के संबंध में सारे लीगल दस्तावेज होने के बाद भी कोई सुनवाई अभी तक नहीं हो पा रही है। वहीं कॉलोनाइजर द्वारा अवैध तरीके से कॉलोनी के पार्क में उक्त महिला को एक छोटा सा मकान दिया जा रहा है, जो कि अवैध और गलत तरीके से बनाया गया है। उक्त कॉलोनाइजर द्वारा पीड़ित महिला को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से काफी हद तक प्रताड़ित किया जा रहा है। वहीं महिला द्वारा विगत 4 साल से जन सुनवाई में आवेदन कर चुकी है तथा जिले के आला अधिकारियों को भी कई बार इस प्रकार की प्रताड़ना के बारे में अवगत कराया गया है और आज तक कोई भी संतुष्टि पूर्वक कार्रवाई नहीं की गई है। हम अपने चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन से यह पूछना चाहते हैं कि क्या उक्त महिला को इंसाफ मिलेगा, क्या ऐसे दबंगई करने वाले कॉलोनाइजर पर कोई कार्रवाई हो पाएगी। मध्य प्रदेश के खंडवा से अहमद सिद्दीकी की रिपोर्ट। महिला जो है वो कल भी शिकायत करने आई थी, उसका मकान तोड़ दिया गया है, तो उसकी शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई? 527 की पहले की गई जांच में इसमें किसी को आरोपी नहीं बनाया गया। नाम का तो लिखाया हुआ, किसका नाम लिखवाया है इसमें बताया है ना, आलम से कहना नाम बता देंगे तो ठीक रहेगा ना, किसका नाम लिखा है? मैं जसवाड़ी रोड शिवपुरम की स्थायी निवासी हूँ और मैं कई वर्षों से यहाँ रह रही हूँ और शासन के नियम के अनुसार मैं पूरा भुगतान कर रही हूँ सरकार। अभी तोड़ते तो सुबह तोड़ते, रात के 12 बजे, रात को 1 बजे रात को सब लोग सो रहे थे उस वक्त और लाइट खंभे की बंद करके इसने ये क्या कर रहे थे और मेरे को घसीट के ले गए और बोले इसको घसीटो मारो। ये पुलिस आपकी कोई सुनवाई नहीं कर रही? नहीं नहीं, पुलिस मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रही, पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही। अगर एसपी साहब से ऑर्डर आता है तो यहाँ के संबंधी पुलिस वाले उनको गुमराह कर दिया जाता है, पैसे ले लेते। और सर इनने मेरे को मार मार के मेरी पूरी कमर तोड़ दी और हाथ पैर तोड़ दिया। मेरे को लालच दिया कि मेरी गोदरेज ले जा, तेरा सामान ले जा, और ऑफिस में पहुँच दिया और मेरे को मारा और मेरे साथ छेड़छाड़ की और जिससे मेरा पूरा शरीर जख्मी हो गया। 6 महीने तक मैं बीमार रही और ये ऐसी पीड़ित हालत में मैं खरगोन गई महिला आयोग में। खरगोन थाने में महिला आयोग को बताई मेरे शरीर के पूरे हाल, तो उनने बोला कि आपका थाना कोतवाली लगता है, आपकी थाना कोतवाली में ही शिकायत दर्ज होगी, हम आपकी क्या मदद करते, आप वहीं जाओ। और उसके बाद में मैं आई जी इसके पास गई, खरगोन वाले साहब का क्या नाम करे भी, आईजी साहब के पास गई। आईजी साहब ने मेरी पूरी समस्या सुनी और उनने मेरी हेल्प की, उनने मेरे को किराया देके खंडवा पहुँचाया। चलिए हम आप टीवी पे दिखाएंगे आपके सारी चीजें।